in today's class of English. Open your textbook. Open page number 44. Unit 6. The Girl with Magic Eyes. आज हम यूनिट 6 स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल है द गर्ल विथ मैजिक आइज। इस यूनिट में एक ऐसी गर्ल के बारे में बताया गया है जिसके पास मैजिक आइज है, जिसकी आंखें मैजिक है। लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 1। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द स्टोरी। डू द एक्टिविटीज मेंशन्ड इन द बॉक्सेस। पिक्चर देखना है और स्टोरी रीड करनी है, और बॉक्स में जो भी एक्टिविटीज़ मेंशन की गई है वो सारी एक्टिविटीज़ भी करनी है। पार्ट 1, द गर्ल विथ मैजिक आइज। द गर्ल विथ मैजिक आइज पार्ट 1 है। सी हियर यू कैन टू डिफरेंट पिक्चर्स, टू गर्ल्स यू कैन सी हियर, दे आर प्लेइंग विथ ईच अदर। The same girls are sitting here on the dining table and they are eating together. So maybe these two are friends. Let's read the lesson. Devi and Riya were very close friends. Devi aur Riya bahut hi close friends the. They spent a lot of time together. वो दोनों एक साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते थे, बहुत सारा समय एक दूसरे के साथ बिताते थे। इन द क्लास दे सैट टुगेदर, ड्यूरिंग लंच टाइम दे एट टुगेदर, एंड इन द इवनिंग्स दे प्लेड टुगेदर। वो दोनों देवी और रिया वो बेस्ट फ्रेंड्स थे, क्लोज फ्रेंड्स थे, तो वो क्लास में भी साथ में बैठते थे, लंच टाइम में भी साथ में बैठकर नाश्ता करते थे, और इवनिंग में भी एक साथ खेलते थे। दे शेयर्ड एवरीथिंग। वो दोनों इतनी पक्की दोस्त थी कि एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करती थी। देयर वॉज नो सीक्रेट बिटवीन देम। उन दोनों के बीच में कोई बात सीक्रेट भी नहीं थी। आंसर द क्वेश्चंस। वन नंबर, Who is your dearest friend? यहाँ पे टू क्वेश्चंस दिए गए हैं, सो यू हैव टू आंसर दिस टू क्वेश्चंस। फर्स्ट इज हु इज योर डियरेस्ट फ्रेंड। आपका डियरेस्ट फ्रेंड कौन है? राइट दैट नेम हियर। आपके फ्रेंड का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। टू नंबर, व्हाट आर द थिंग्स यू डू टुगेदर। और आप और आपका जो फ्रेंड है, आप दोनों साथ में कौन सी चीज़ें करते हो वो आपको यहाँ पे लिखनी है। जैसे कि देवी और रिया, इन द क्लास दे सैट टुगेदर, ड्यूरिंग लंच दे एट टुगेदर, एंड इवनिंग दे प्लेड टुगेदर। सो लाइक दैट यू राइट द थिंग्स विच यू डू विथ योर फ्रेंड। देन वन डे व्हेन देवी वॉज गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग विथ रिया, She met a strange man just outside her house. एक दिन देवी रिया के साथ खेलने के बाद जब अपने घर जा रही थी, तो उसे अपने घर के बाहर एक अनजान आदमी मिला। Strange man यानी अनजान आदमी। The man looked tired. वो आदमी बहुत ही टायर्ड यानी कि थका हुआ दिख रहा था। ही आस्क्ड देवी, माई चाइल्ड कैन यू गिव मी सम वाटर। उस आदमी ने देवी से पूछा, मेरी बच्ची क्या तुम मुझे पानी दे सकती हो। देवी लुक्ड एट हिम एंड वॉज स्लाइटली स्केर्ड। देवी ने उस आदमी की तरफ देखा और थोड़ी घबरा गई। द मैन लुक्ड फ्राइटनिंग विथ हिज लॉन्ग बियर्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स। वो आदमी, उसकी बहुत ही लंबी दाढ़ी थी और उसने फटे हुए कपड़े पहन रखे थे, तो उसे
देखते ही डर लगने लगे वैसा वो आदमी था। ही हैड ब्लैक आईज विच सीम्ड टू होल्ड हर। उस आदमी की काली आंखें थी जो देवी को उसके सामने देखने के लिए मजबूर कर रही थी। उसने देवी को ऐसे उसके सामने देखने के लिए पकड़ के रखा था। She looked at him for a few seconds without saying anything. देवी कुछ सेकंड्स तक उस आदमी की आंखों में बिना कुछ बोले देखती ही रह गई। The man again said, "Dear child, please give me water." उस आदमी ने फिर से कहा, प्यारी बच्ची प्लीज मुझे पानी दो। आई एम वेरी थर्स्टी। मैं बहुत ही प्यासा हूँ। देवी शिवर्ड एज शी लिसन्ड टू हिज वॉइस। जैसे ही देवी ने उसकी आवाज़ सुनी वो कांपने लगी। शिवर्ड मीन्स वो कांपने लगी। स्लोली सी चेक्ड हर बैग। और फिर धीरे से उसने अपनी बैग चेक की। हर वाटर बॉटल वॉज इन द बैग एंड इट वॉज फुल। उसकी वाटर बॉटल बैग में ही थी और वो पानी से भरी हुई थी। नर्वसली सी हेल्ड इट आउट टू हिम एंड सेड, हियर यू आर। बहुत ही नर्वस होकर उसने पानी की बॉटल उस आदमी के हाथ में देखते हुए कहा, ये लो पानी। ही ऑलमोस्ट स्नैच्ड द वाटर बॉटल एंड ड्रैंक ऑल द वाटर इन सेकंड्स। उस आदमी ने देवी के हाथ में से पानी की बॉटल को झूट लिया, ऐसे खींच लिया और फटाफट से कुछ ही सेकंड्स में पूरा पानी पी गया। सी, ये जो आदमी है वो दिखने में भी बहुत ही अजीब दिख रहा है। एक तो वो अनजान आदमी था, उसे बहुत प्यास लगी थी और देवी उसको देखकर बहुत ही सीवर होने लगी और वो नर्वस भी हो गई। लेकिन उसने पानी पीने के लिए दिया तो उस आदमी ने पूरा पानी पी लिया। 3. How do you think the man might have looked? Draw the sketch of the man here. आपको क्या लग रहा है कि वो आदमी कैसा दिखता होगा? आपको उसका एक स्केच यहाँ पे बनाना है। ओके, उस आदमी की लंबी दाढ़ी थी, उसके फटे हुए कपड़े थे, ऐसे इंसान का आपको पिक्चर यहाँ पे बनाना है। Add labels to your drawing. और आप जो भी पिक्चर बनाओ उसका एक लेबल बनाना है। जैसे कि आप उस अनजान आदमी का पिक्चर ड्रॉ करोगे तो उसके नीचे आपको लिखना है अ स्ट्रेंज मैन हु मेट देवी। ओके, सो ड्रॉ दिस पिक्चर एट होम। द मैन रिटर्न्ड द वाटर बॉटल टू हर एंड सेड, थैंक यू डियर, यू आर एन एंजल। व्हाई डोंट यू आस्क मी फॉर समथिंग? I can give you anything you want. उस आदमी ने देवी की वाटर बॉटल उसको वापस की और कहा कि तुम्हारा धन्यवाद, तुम एक परी हो, तुम एक एंजल हो, क्यों तुम मुझसे कुछ नहीं मांगती? मैं तुम्हें जो भी चाहिए वो दूंगा। देवी said, ask you for something? Why should I? I don't want anything. देवी ने कहा, तुमसे कुछ मांगू? मैं क्यों मांगू? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। The man said, come on child, don't waste my time. I am a very busy person, you know. Be quick. Think of something you want. I can give you anything you ask for. फिर उस आदमी ने कहा, चलो मेरी बच्ची, मेरा समय बर्बाद मत करो, मैं बहुत ही बिजी व्यक्ति हूँ, तुम जानती हो, जल्दी करो, ऐसी कोई चीज़ के बारे में सोचो कि जो तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। ऐसे उस आदमी ने देवी से कहा। लेकिन वो एक अनजान आदमी था तो देवी उससे कैसे कुछ मांगती या फिर उससे कैसे कोई चीज़ लेती।
For number, suppose you were Devi, what would you ask for? अगर आप देवी होते तो आप क्या मांगते? वो आपको यहाँ पे लिखना है, I would ask for. आप अगर देवी होते तो आप उस इंसान से, उस आदमी से क्या मांगते, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है. I would ask for, जो भी आपको चाहिए उसके बारे में आपको लिखना है. For example, I would ask for a frock. A girl can write, boy can write, I would ask for toys. You can write like that. So think and write, what would you ask to that man if you were Devi. Now turn the page, see page number 46. Devi was surprised. She wondered. देवी बहुत ही सरप्राइज हो गई, वो सोच में पड़ गई, उसे बहुत ही अजीब लगी ये बात. इफ ही कुड गिव एनीथिंग शी वॉन्ट्स, वाई डिड ही आस्क हर फॉर वाटर. वो ये सोचने लगी कि वो आदमी उसे कुछ भी दे सकता है तो उसने देवी से पानी क्यों मांगा. बट शी वॉज टू स्कैर्ड टू आस्क हिम अबाउट दैट. लेकिन उसे उस आदमी से ये पूछते हुए बहुत ही डर लग रहा था. सी सेड, आई डोंट थिंक आई नीड एनीथिंग. उसने कहा कि मैं ऐसा सोचती हूँ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. उसने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. माई मदर हैज टोल्ड मी नॉट टू टेक एनीथिंग फ्रॉम अ स्ट्रेंजर. Besides, I don't want to ask for anything in return for the water I gave you. मेरी मम्मी ने कहा है कि मुझे कोई भी अनजान व्यक्ति से कुछ भी नहीं लेना है, ऐसा मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है. मैंने आपको पानी दिया, उसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. आपको भी आपके पेरेंट्स ने सिखाया होगा कि आपको कोई भी अनजान इंसान मिले तो उससे आपको कुछ भी नहीं लेना है. ऐसे देखो देवी ने कैसे अपनी मम्मी की बताई हुई बात को याद रखा कि उसे कोई भी स्ट्रेंजर के पास से कुछ भी नहीं लेना है. यू शुड ऑल्सो कीप दिस इन योर माइंड. द मैन लुक्ड हैप्पी. ही सेड, वेरी वेल. You are a well-behaved child who remembers her mother's words. You also have a helping nature. So, I am going to give you magic eyes. वो आदमी बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था. उसने कहा, बहुत अच्छा. तुम एक बहुत ही अच्छे व्यवहार वाली बच्ची दिखाई दे रही हो जो कि अपनी मम्मी के सिखाई गई सीख को याद रखती है, अपनी मम्मी के शब्दों को याद रखती है. और तुम्हारा नेचर भी बहुत अच्छा है, तुम्हारा एक हेल्पिंग नेचर है कि तुम सबको हेल्प करती हो. तो मैं तुम्हें मैजिक आइज देने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें जादुई आंखें दे रहा हूँ. देवी सेड, मैजिक आइज, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ एनी मैजिक आइज. देवी ने कहा, मैजिक आइज, जादुई आंखें, मैंने कभी भी कोई जादुई आंखों के बारे में नहीं सुना. द मैन स्माइल्ड एंड सेड, वेल, यू हैव देम नाउ. वो आदमी स्माइल करने लगा और उसने कहा, ठीक है, अब तुम्हारे पास वो है. वो मीन्स क्या है? जादुई आंखें. As soon as he said this, he disappeared. जैसे ही उसने कहा कि अब तुम्हारे पास जादुई आंखें हैं, इतना बोलने के बाद वो वहां से गायब हो गया. देवी was stunned. देवी शॉक हो गई. जैसे ही वो इंसान वहां से गायब हो गया उसके सामने से अचानक से ही, तो वो बहुत ही शॉक हो गई. She just stood there like a statue for a few moments. और वो कुछ पल के लिए वहाँ पे एक स्टैच्यू के जैसे खड़ी हो गई. Then she ran towards her house. और अचानक से वो दौड़कर अपने घर वापस चली गई.
What do you think will happen next? Talk to your friend and share your ideas with the whole class. पार्ट वन में सिर्फ इतना बताया गया है कि उस आदमी ने देवी से कहा कि अब तुम्हारे पास जादुई आंखें हैं और वो वहां से गायब हो गया। यहां पे पार्ट वन फिनिश होता है। तो आपको सोचना है कि आगे के पार्ट में क्या होगा, अब आगे क्या होगा। दैट यू डिस्कस विथ योर फ्रेंड और योर पेरेंट्स। हियर आर सम वर्ड मीनिंग्स फॉर यू टू राइट इन योर नोटबुक। सो चिल्ड्रन, राइट दिस वर्ड मीनिंग्स इन योर नोटबुक। Read the lesson. Write the answer of the given questions in the boxes. Have a nice day. Goodbye.